Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. सो हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, राइट? तो आज ना हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक इंसान कामयाब, असल में कामयाब हो सकता है, और एक कामयाब शख्स के अंदर, एक सक्सेसफुल इंसान जिसे हम कहते हैं दुनिया में, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. क्योंकि सी, अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया, आप एक लेवल पे पहुंच गए, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद का जो ये सफ़र होता है, उस चीज़ को संभालना और आगे बढ़ना, उसके लिए एक इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, कुछ रिसर्च करी, कुछ पढ़ा, कुछ चीज़ें देखी, तो वो सब कुछ इस डायरी में अपनी लिखा है जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने लगी हूँ. और काफ़ी लोगों को भी हम ऐसे देखते हैं जो ये गलतियाँ करते हैं, तो आज हम इस चीज़ से इंशाल्लाह एक सीख मैं खुद भी लूँगी, और इंशाल्लाह जो भी ये चीज़ देखे वो भी ये नोटिस करे कि अगर आप में ये चीज़ कमी है, कोई आप कहीं लैक कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस पर काम करें. क्योंकि कामयाबी के लिए बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जाहिर है इसे पॉइंट भी नहीं कहूँगी क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, इसके बाद ही सारी चीज़ें आती हैं. वो क्यों? सबसे पहली चीज़ है हमारी नमाज, हमारा अल्लाह ताला से रिश्ता, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी. अगर हमारी यही चीज़ मजबूत नहीं है ना, तो बाकी की चीज़ें तो बाद में ही हैं. क्योंकि सपोज करें आप कोई घर बनाते हैं, तो उसकी बुनियादें खड़ी करेंगे ना, बुनियादों के बिना तो आप पहले ही अंदर का इंटीरियर नहीं करने लग जाएंगे ना. तो जो मैं बाकी की चीज़ें बताऊंगी ना, वो समझ लें कि इंटीरियर है. तो हमें पहले बुनियाद खड़ी करनी है. और नमाज क्या है? नमाज भी हमारे इस्लाम का एक बुनियाद ही, एक पिलर है. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अगर हमें कहीं पहुंचना है, तो क्या हम नमाज पढ़ रहे हैं? अगर हम पांचों टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर काम करें, अल्लाह ताला से अपने रिश्ते को मजबूत करें. क्योंकि हर कामयाबी का रास्ता जो है, एक कह सकते हैं वजीफा, वो बेस्ट है कि अल्लाह ताला से दोस्ती कर लें, फिर कामयाबी तो आपको मिलनी ही मिलनी है, बहुत मिलनी है. तो पहली चीज़ क्या है, हमें अपनी नमाज के ऊपर काम करना है. बहुत ही अच्छी खूबसूरत नमाज हमें पढ़नी है, अल्लाह ताला से दोस्ती करनी है. दूसरी चीज़ है हमारा कि चलें, अब सोचें आपकी बुनियाद खड़ी हो गई, आपका घर बन गया. अब इंटीरियर में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि मान ले आपके घर में कोई आया है, ठीक है, तो अगर वो अमीर शख्स नहीं है, अगर आप कामयाब हो गए हैं और वो इतना आपके स्टेटस के मुकाबले में नहीं है, वो थोड़ा गरीब है, लेकिन आप उसे छोटा महसूस नहीं कराएंगे. ये आपकी कामयाबी की, आपके बड़ेपन की, और आपकी एक असल सक्सेसफुल इंसान होने की निशानी है कि आप उसे छोटा, कमतर और ये महसूस नहीं कराएंगे या ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे कि उसमें कुछ कमी है, उसके स्टेटस में कुछ कमी है. उसको वही खाना खिलाएंगे जो आप खुद खाते हैं, उसको वैसे ही उसके साथ बात करेंगे जैसे आप किसी अमीर शख्स के साथ बात करते हैं. क्योंकि हज़रत अली ने फरमाया कि अगर तुम किसी इंसान को इज्जत उसकी दौलत की वजह से देने लगो, तो समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया. तो हमें किसी को भी उसके स्टेटस के ऊपर इज्जत नहीं देनी है. हर इंसान को इज्जत के साथ, अपने बेहतरीन अखलाक के साथ ट्रीट करना है. ये हमारे ईमान का, एक इस्लाम का, एक मुसलमान का एक बहुत अहम चीज़ है, जिस पर हम सबको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम किसी को कमतर ना समझें. दूसरी चीज़ आ जाती है हमारा गुरु. अब हम किसी लेवल पे पहुंच गए, या हम में कोई खासियत है या कोई खास बात है, कुछ चीज़ें तो इसमें पता है, कुछ चीज़ें तो हमने खुद करी भी नहीं होती हैं. मान ले कि हमारी शक्ल सूरत है, इसमें हमारा क्या कमाल है? ये तो अल्लाह की बनाई हुई ना, अल्लाह की तारीफ है. तो कुछ लोग तो शक्ल सूरत का भी गुरूर करने लग जाते हैं, कुछ लोग पैसों का, स्टेटस का, या कोई उसमें कोई भी खासियत हो किसी चीज़ का गुरूर करने लग जाते हैं. तो इन सब बातों की एक बात है कि देखें, अल्लाह ताला ना देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है. अगर अल्लाह ताला आपको देखकर ये देख रहा है ना कि आप उसको किस तरह से संभालते हैं, आप संभालते का मतलब ये है कि जब आपको कुछ चीज़ दी जा रही है ना, तो आप गुरूर ना करें, आप शुक्र अदा करें, आप गुरूर ना करें. क्योंकि आपको पता है, शैतान को सिर्फ एक उसके गुरूर ने ही मारा था जो वो आज शैतान है, वरना वो तो अल्लाह ताला का बहुत फरमाबरदार और नेक बंदा था, बहुत इबादत किया करता था. लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करूंगा, मैं इससे बेहतर हूँ, इस चीज़ ने उसे मार दिया. तो हमें कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना है कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इस शख्स से बेहतर ये चीज़ कर सकता हूँ.
आपको, बल्कि अगर लगता है ना कि ये चीज कोई इंसान कोई चीज है नहीं कर पा रहा है, तो उसकी हेल्प करें, उसे आगे बढ़ाएं, उसे मोटिवेट करें, ये मत कहें। और एक गुरूर एक बड़ा और खतरनाक होता है, मैं समझती हूँ पैसे से भी ज्यादा खतरनाक होता है, वो होता है दीन का तकब्बुर, वो होता है नमाजों का तकब्बुर। जैसे कोई दीनदार नमाजें पढ़ने लगा तो वो बेनमाजी को जज करने लगा कि अरे ये तो बेनमाजी है, अरे ये इससे बेहतर है, ये जहन्नुमी है। ऐसी जजमेंट्स लोग पास करना शुरू कर देते हैं जो कितना बड़ा गुनाह है। ये हम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन देखते हैं। एक कामयाब इंसान की ये बिल्कुल भी आदत नहीं होती कि वो किसी की भी चीज़ के ऊपर किसी को भी कोई तकब्बुर से देखे कि मैं इससे बेहतर हूँ या ये चीज़ मैं ज़्यादा दीनदार हूँ। प्लीज़ अगर आपने कभी भी ऐसा किया तो इसके लिए अभी तौबा करें, किसी को ऐसे जजमेंट्स पास ना करें। इसके लिए अल्लाह है और अल्लाह से बेहतर जज करने वाला कोई नहीं होता। हो सकता है वो हमसे बेहतर हो, जो हमें जाहिर में दिख रहा हो ऐसा ना हो, वो अल्लाह ताला का फेवरेट बंदा हो, तो हमें नहीं पता ना, हम किसी अल्लाह ताला के फेवरेट बंदे का कहीं दिल ना दुखा दें। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें। एंड यस, वन मोर थिंग, जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर होगा ना, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई मतलब मस्टर्ड सीड, तो उसके बराबर भी अगर किसी के अंदर गुरूर है, तकब्बुर है, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो प्लीज़ कभी भी ऐसा ना समझें कि हम किसी से बेहतर है, कोई हमसे कमतर है या हमारा इसमें कोई कमाल है, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ अल्लाह ताला का कमाल है, सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमने क्या किया है। हम शायद थोड़ा सा कारोबार कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया, अगर अल्लाह ताला की मदद ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि इंसान का जो काबू है ना, वो तो उसकी सांसों पर भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो तो एक मक्खी तक नहीं बना सकता, तो फिर क्या कर सकता है इंसान, को फिर इतना गुरूर क्यों है, वो मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है, तो फिर गुरूर किस बात का। तो हमें बिल्कुल भी गुरूर नहीं करना है, किसी को कमतर नहीं समझना है। एंड तीसरी चीज़ जो एक कामयाबी के लिए बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है, वो है ईमानदारी, साफ नीयत, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कहीं भी आपको पहुँचना है, और ईमानदारी और ये जो चीज़ है ना, क्या बोलते हैं, साफ नीयत, ये सिर्फ कारोबार में नहीं होती है, ये रिश्तों में भी होती है, हर तना होती है, हर कदम पे होती है कि हम ईमानदार हैं या नहीं है। देखिए, मैंने एक चीज़ कहीं पढ़ी थी कि अगर आपकी नीयत साफ, मंजिल आसान, हर मंजिल आसान। और जब इंसान बेईमानी करता है ना, किसी को धोखा देता है या नीयत साफ नहीं रखता, किसी का नुकसान करता है, किसी को धोखे से हेरा फेरी करके कोई गलत चीज़ बेच देता है, किसी मजलूम की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपना ही नुकसान करता है। पता है क्यों, वो खुद खसारे में क्यों होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने बेवकूफ़ बना के किसी को बहुत कोई बड़ा अकलमंदी का काम किया। बट असल में अल्लाह तो सब देख रहा है ना, अल्लाह तो सब जानता है कि हमने किसको धोखा दिया, किसको तकलीफ दी, किसके साथ हेरा फेरी करी। तो क्या अल्लाह चाहे तो आपको किसी से नुकसान नहीं पहुंचवा सकता, क्या कोई आपका फ़ायदा नहीं उठवा सकता, मजबूरी का टाइम तो किसी पे भी आ सकता है। तो प्लीज़ 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 आप कारोबार करें, आप कोई रिश्ता करें, कुछ भी, लेकिन अपनी नीयत को बस साफ रखें। हर चीज़ अगर हम साफ नीयत के साथ करेंगे ना, और बस दिल में एक ही इंटेंशन होगी कि जो कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, एक अच्छे नीयत से कर रहे हैं, तो आपको कामयाबी के आप वहाँ होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अपने दिलों को साफ करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें और ना कोई ऐसी इंटेंशन रखें। और फिर आती है हमारी वादा खिलाफी। अब वादा खिलाफी तो हम आजकल अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखते हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मुनाफिक है, मुनाफिक कहा है उसे, जो किसी को वादा करे पूरा ना करे, जो किसी की अमानत में खयानत करे या किसी को धोखा दे, वो मुनाफिक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो बंदे हैं ना, वो कोई भी गुनाह कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन एक नहीं करेंगे। कितना उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ कही होगी, कोई भी कर सकते हैं पर एक नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, इवन किसी नॉन मुस्लिम का भी दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। और इसका तो एग्जांपल ऐसा है, किसी का दिल दुखाना जैसे खाने काबे को ढाना। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें। आप किसी रिश्ते में किसी से वादा करते हैं, हम एक चीज़ बहुत कॉमन देखते हैं कि कोई किसी से शादी के वादे कर लेता है, लड़का हो या लड़की, फिर उससे मुकर जाता है, ये कितना बड़ा गुनाह है। अगर आप कोई वादा नहीं निभा सकते, आप वो वादा ना करें, पर किसी को उम्मीद में रख के फिर उसकी उम्मीद को तोड़ देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, जिसका जो बदला है ना, आप तो नहीं चाहते ना कि हमें
हम किसी से वादा करें किसी चीज़ में और हमें उसका जो हिसाब है उसको चुकाना कयामत के दिन अपनी नेकियां देके चुकाना पड़े। आप सोचें, आप बहुत अमाल लेके जा रहे होंगे कयामत के दिन, आप खड़े हैं अपनी नमाजें, अपना हज, अपना रोज़ा, पता नहीं क्या क्या लेके, लेकिन कोई शख्स आता है कहता है कि इसने मेरा दिल दुखाया है, इसने मुझे बुरा बोला है, इसने मेरे साथ ये किया है, तो उन सारे लोगों को जब आपको अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी तो आपकी नमाजें, आपके अमाल कहाँ गए? आप तो खाली हो जाएंगे। और फिर जब भी उन लोगों का हिसाब, पता है ये हदीस है कि जब उन लोगों का हिसाब जो है तब भी पूरा नहीं होगा, पता है क्या कहा जाएगा कि उन लोगों के जो गुनाह है ना वो इस शख्स के ऊपर डाल दो। तो आप तो जन्नत में जाने वाले थे, बट क्या होगा, सिर्फ आपके हुकूक को लिबाद गलत होने की वजह से आपको जहन्नुम में जाना पड़ेगा। तो प्लीज़, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी से वादा खिलाफी करी है, कोई पैसे का वादा आपने करा था मान ले उधार का, आपने नहीं लौटाए हैं, तो वो देखें जो हिसाब किताब दुनिया के हैं ना, प्लीज उसे यहीं निपटा लें। किसी का दिल दुखाया है उससे माफी मांग लें, या आगे ना करें ये चीज़ रिपीट, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई भी शख्स गुनाह नहीं कर सकता, तो प्लीज उस गिनती में शामिल ना हो। ना हमें कामयाबी मिल पाती, हम कहीं ना कहीं अपना नुकसान हम देखते हैं ना, हमारे बिजनेस नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो देखें आपने कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का हक तो नहीं मारा। अगर किसी का हक आपने ऐसे दबा रखा है या कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज उसका हक उसे लौटाएं। किसी रिश्ते में आपने हुकूक अपने अदा नहीं करे हैं, जिस तरह से निभाना था वो अदा करें। ये कामयाब शख्स की निशानी है, जब उसके हुकूक लिबाद, सबसे पहली चीज़ क्या थी, हमारा हुकूकुल्लाह, अल्लाह ताला के साथ रिश्ता मजबूत होना है। उसके बाद हम खूबसूरती किससे लाते हैं, इंटीरियर किससे करते हैं, इन चीज़ों से करते हैं, हुकूकुल्लिबाद से, इसका भी हिसाब होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे इग्नोर ना करें। इस ये दुनिया जो है ना, ये एक खेल तमाशा है, इसमें इतने ना खो जाएं कि यही भूल जाएं कि किस चीज़ का हिसाब हमें कयामत के दिन देना पड़ेगा। हमें सिर्फ इस दुनिया में ही कामयाब नहीं होना है, बल्कि आखिरत में भी कामयाब होना है। हम सिर्फ यही तो बहुत अच्छा घर और बहुत अच्छा गाड़ी, बहुत अच्छा बिजनेस सेट करके थोड़ी बैठना है हमेशा हमेशा के लिए। हाँ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी करें, लेकिन अपने यहाँ करने के लिए ना आखिरत बर्बाद ना करें, इस चीज़ का ध्यान दें। तो चार, आई गेस पाँच चीज़ें हो गई हैं जो हमने बात की है, क्योंकि मैंने उसे काउंट नहीं किया था जो हमारा हुकूकुल्लाह के साथ रिश्ता था, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ है, वो ऐसी है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल बाद में आती हैं। तो चार चीज़ें हमने अल्लाह ताला के रिश्ते के बाद ये डिस्कस की हैं, जिसमें आता है हम किसी को साथ बैठ रहे हैं तो उसे छोटा फील ना कराएं, उसे कमतर फील ना कराएं, उसका हाँ एक चीज़ और मुझे बोलनी थी, उसका मजाक ना उड़ाएं। हम देखते हैं ना, हमें कोई खासियत है दूसरे इंसान में नहीं है, सोचे उसमें कोई कमी है किसी भी तरह की, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, खैर तो उसमें कोई कमी है, मान लो वो बोल सही से नहीं पाता, तो हम ऐसा देखते हैं ना, कोई किसी का नाम निकाल देता है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, मजाक सोचते हैं, मजाक कर रहे हैं, पर सामने वाले का दिल दुखता है। तो ऐसे मजाक ना करें जिससे किसी इंसान का दिल दुखे, थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने अंदर लाएं, ये देखें कि किस चीज़ से किसी का दिल दुख रहा है, किस चीज़ से हम खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। और देखें, अगर हमारा रिश्ता अल्लाह ताला के साथ सही नहीं है, तो दुनिया भी हमारी नहीं बन पाएगी, ना आखिरत बन पाएगी। तो उन दोनों के लिए सबसे पहले हुकूकुल्लाह, अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ें, किसी को छोटा ना समझें, कमतर ना समझें। और तीसरी चीज़ थी हमारी के गुरूर ना करें, तकब्बुर ना करें, इसको अपनी लिस्ट से हटा दें बिल्कुल। उसके बाद था हमारी साफ नीयत, हमारी ईमानदारी, हर चीज़ में अगर ईमानदारी है तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और लास्ट था वादा खिलाफी, धोखा देना, किसी को तकलीफ़ देना, ये चीज़ ना करें, जो वादा करें उसे पूरा करें, और एक मुसलमान की मिसाल बना दे, जो एक मुसलमान को असल में होना चाहिए, कि अगर मुसलमान से मान ले किसी हिंदू की डीलिंग है तो उसे ये भरोसा हो कि अरे यार आप तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, मुसलमान तो धोखा देता ही नहीं है, मुसलमान तो अपने वादों का, अपने अल्फाजों का बहुत पक्का है। जो असल में होना चाहिए, जो हमारे नबी ने, हमारे इस्लाम ने हमें यही सिखाया है। सो यस, ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की, काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर हमने इस पे काम कर लिया तो इंशाल्लाह हमें दोनों जहाँ की कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अल्लाह ताला से खूब खूब दुआएं करते रहें और परफेक्ट करने की अपने आप को कोशिश करें। बेशक होता कोई भी नहीं है परफेक्ट, पर कोशिश में इंसान को हमेशा लगे रहना चाहिए। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड यस प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में, हम सबको, मेरी फैमिली को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। एंड यस, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।